दोस्तों, मेरा नाम है जाकिर हुसैन। कलाम एकेडमी जोधपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं दोस्तों गणित की जो बुक है, दोस्तों गणित की 10th क्लास की जो किताब है उसके जो है सुपर 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज के वीडियो में भी हम 4 क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो वैदिक गणित के थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक गणित के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पिछले जो वीडियो मैंने अपलोड किए। और इसमें जो है हम दूसरी प्रश्नावली में से 4 क्वेश्चन लेके आए। प्रश्नावली कौन सी है, एक्सरसाइज जो है दूसरी है, उसमें से जो है 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने नोट कर दिए। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो है हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और 2 क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है वीडियो के साथ में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक SCF ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमारे को, SCF ज्ञात करना है। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विधि से। कौन सी विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विधि से हमारे को क्या ज्ञात करना है, SCF ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, SCF। तो हमारे पास में संख्या कितने हैं, ये संख्या हमारे पास में, तो 55 का हम जो है भाग देंगे किसमें, 210 में। ठीक है, 55 का भाग देना हमारे को 210 में भाग देना है। तो यहाँ पर जो है 55 का भाग देंगे तो देखो 50 50 50 100 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितने हो जाएंगे, 5 5 10 110 हो गया। ठीक है, अगर 3 बार बोलेंगे 3 बार कितना आ जाएगा हमारे पास में, 165 आ जाएगा भाई। 55 का गुणा करेंगे 3 से, 5 3 15 5 3 15 और 1 16, 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। 4 बार करेंगे तो 210 से बाहर चली जाएगी संख्या। ठीक है दोस्तों, 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे 55 का तो हमारे पास में जो संख्या 210 से अधिक हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है किसका, 55 का, तो इसका भाग चला जाएगा कितनी बार जाएगा, 3 बार। और यहाँ पर कितना लिखोगे आप, 165 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में घटाएंगे, 210 में से कितना जाएगा, 165 जाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है एक उधार देगा इसको, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा, 0। इसने एक इसको उधार देगा, इसके पास में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 2, अब यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। भाई इस क्वेश्चन में होता क्या है, भाग में एक बात ध्यान रखना आप, इसमें होते बहुत बड़े दिलदार। क्यों, इसके पास एक है, एक है, वो भी इसको अगले वाले को दे दिया। इसने ये नहीं सोचा भाई कि मेरे पास तो एक ही है। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने पास वाले को दे दिया, क्योंकि इसके पास में क्या है, 0 है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी आदत रखना आपकी भी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, 45 है, 45। अब यहाँ पर जो संख्या हमारे पास 45, इस 55 को हम क्या करेंगे, अंदर लाएंगे, यहाँ पर 55 को अंदर लाएंगे। अब फिर बाद में देखो, हमने क्या किया, 55 का भाग दिया 210 में, कितनी बार गया, 3 बार। फिर 165 आया, 210 में से 165 गया, कितना बचा, 45 बचा। फिर हमें क्या करना है, इस संख्या को अंदर लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसका भाग देंगे 45 का 55 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ पर लिख देंगे 45। ठीक है, तो इसका माइनस कर देंगे हम, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर आ जाएगा 5 में 4 गया तो 1। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर जो है हमने अंदर यहाँ 55 लेके आए, अब इस संख्याओं को भी क्या करेंगे, अंदर की ओर लेके आएंगे, 45 को अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 का भाग देंगे 45 में, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40। 45 में से जाएगा 40, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे हम, इस 10 को भी क्या करेंगे, अंदर की ओर लेके आएंगे, और 5 का भाग देंगे 10 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास में जो लास्ट में यहाँ पे संख्या बचेगी, ठीक है, यहाँ पे 0 आने के बाद में, ठीक है, 0 आने के बाद में, तो हम जो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो SCF क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा 5। ये आ गया नीचे वाला लास्ट, ठीक है, तो SCF हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
दोस्तों अगर चाहे आपको लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दीजिएगा, आपके ऊपर है, ठीक है। और वीडियो को लाइक आपके ऊपर है कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर देना, ठीक है। और लंबी, अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम, लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। लंबी प्रक्रिया का हमें उपयोग नहीं करना है, ठीक है। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, इसका भाग देंगे तो आएगा 800 और 2 का फिर भाग देंगे तो 400 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो भाग, ये जो है अभाज्य गुणनखंड जो करने की ट्रिक है दोस्तों, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो वो आप वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो यहाँ पर गुणनखंड करना सिखाऊँगा मैं अभाज्य गुणनखंड, अभी तो मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे को सोल्व करना है। 2 का फिर भाग देंगे 200 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 100, फिर 2 का भाग देंगे तो 50, फिर 2 का देंगे भाग तो आएगा 25, और फिर 5 का देंगे 5 आएगा, फिर 5 का देंगे तो 5, ठीक है। 2 की घात कितनी है इसमें, 2 की घात हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2 की घात आएगी। पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और यहाँ पे कितना हमारे पास 15 ऊपर 2 की घात आई है हमारे पास में 6, 3, 3, 2, 6 और इनटू 5 की घात हमारे पास में कितनी है 2 आई है, तो 5 की घात 2 लिख देंगे हम, ठीक है। तो हमें इसमें यह ध्यान रखना है 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाती है यहाँ पे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। आपको यही ध्यान रखना है कि अगर इसके अंदर जो है 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गई, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। अगर दोनों में से एक संख्या आ गई, मान लो यहाँ पर दो ही संख्या आ रही है, ठीक है, दो दो वाली संख्या आ रही है, तो आप इसको भी क्या कहोगे कि शांत है। अगर मान लेते यहाँ पर अगर कि 5 ही संख्या आ रही है, ठीक है, 5 का 2 आ रही है या 5 एक ही संख्या आ रही है, 2 नहीं आ रहा है साथ में, तो भी आप क्या कहोगे, इसको शांत है। तो इसको क्या कहेंगे हम, शांत संख्या कहेंगे, शांत संख्या हो जाएगी ये, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें क्या कहोगे आप, इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, अब इसमें क्या कहोगे भाई, 2 और 5 के अलावा भी इसमें क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको, आप इसको क्या कहोगे, अशांत कहोगे। क्या कहोगे, अशांत कहोगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इसको सॉल्व करना, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप जरूर इसको सॉल्व करना है। इस अगले 2 क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक एवं लघुतम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों क्या होता है कि महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है एचसीएफ होता है, और लघुतम समापवर्तक का मतलब होता है एलसीएम होता है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एचसीएफ, और लघुतम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है। तो हमें इसको सोल्व करना है क्वेश्चन को, यहाँ पर जो है हम जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना है इसको। तो यहाँ पर जो है हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर लेंगे 40 और यहाँ पर ले लेते हैं 36 और यहाँ पर ले लेते हैं 126 को ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इसका भाग देंगे 2 का। इसमें यह ध्यान रखना है कि पीछे जब जो है संख्या विषम संख्या होगी तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 2 का भाग यहाँ पर देंगे 2 × 4, 0 का 0, ठीक है, 2 × 2, फिर आएगा 2 का 5 बार, फिर 5 × 5, फिर यहाँ पर हम करेंगे इसका भाग देंगे 2 × 2, एक इसको दे दिए, इसके पास हो गए 16, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। भाई इसमें 2 का नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 तो एक विषम संख्या है इस वजह से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 का फिर भाग दे देंगे, 2 का 1 में नहीं जाएगा तो 2 संख्या लेंगे, 2 × 12, 2 × 3 = 6, फिर 3 का जाएगा क्योंकि पीछे क्या है, विषम संख्या, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, 7 × 7, इस तरीके से आपको भाग देना है। क्या क्या है यहाँ पर, 2 × 12 और फिर 2 × 6, फिर 3 × 2 = 6, 3 × 3, फिर 3 का भाग देंगे, 3 × 7 = 21, फिर 7 × 7, इस तरीके से आपको संख्या लेनी है। सबसे पहले हमने 40 का किया अभाज्य गुणनखंड, तो 40 की संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में कितना है, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। फिर हमने 36 का किया तो 36 को भी यहाँ पर रख देंगे,
36 का आएगा 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पर हमने किया 126 का, 126 का आ जाएगा हमारे पास में 2 × 3 × 3 × 7 आएगा। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम में क्या करना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, अधिक वाले संख्याओं को लेना है। ज़्यादा बार संख्या कौन सी आ रही है भाई, अगर 5 ज़्यादा बार संख्या आ रहा है, ठीक है, कौन किसके अंदर 5 ज़्यादा बार आ रहा है, तो आपको वो लेनी है संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखो, ज़्यादा बार संख्या जो है 2 की जो है कि कौन सी लाइन में आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, 2 भाई सबसे ज़्यादा बार किस में आ रहा है, तो आप कहोगे कि भाई पहली लाइन में जो है 2 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है 2, और यहाँ पर दूसरी लाइन में कितनी बार आ रहा है, 2 बार ही आ रहा है 2, और पहली लास्ट वाली लाइन में कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है। तो हमारे को एलसीएम में ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा बार संख्या किस में आ रही है, तो हम कहेंगे भाई ज़्यादा संख्या जो है, ज़्यादा बार आ रही है संख्या किस में, 40 पहली लाइन में आ रही है, तो कितनी आ रही है, 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 2 का मसला सोल्व कर दिया। अब अगली संख्या ले लेते 3। 3 भाई सबसे ज़्यादा बार किस में है, तो कहेंगे कि भाई 3 यहाँ पर 2 बार आए, यहाँ पर 2 बार आए, यहाँ पर आई नहीं तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एलसीएम के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, ज़्यादा बार दोनों के अंदर बराबर आ रहा है 2 3, ठीक है, 3 क्या है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई 3 को जो है एक बार ले लें, 2 बार ले लेंगे, 3 × 3, ठीक है, तो 3 को ले लिया हमने क्योंकि कॉमन आ रहा है इस वजह से। अब क्या करेंगे, 5 लेंगे, 5 देखेंगे कि 5 कहाँ पर है, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 इस लाइन में नहीं है, सेकंड में, थर्ड में भी नहीं है, ठीक है, तो 5 एक बार है, तो 5 एक बार ले लेंगे। अगर मान लेते कि यहाँ पर अगर 5 2 बार होता तो हम 5 2 बार लेते, अगर यहाँ पर मान लेते कि 5 3 बार होता, ठीक है, तो अगर 5 4 बार होता तो हम उसको लेते, ठीक है, अधिक बार कौन सी लाइन में हमें वही संख्या लेनी है, ठीक है, तो और कम होगी भाई, एक ही संख्या है कम है मगर उसको साथ में लेना है आपको, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 5 यहाँ पर ले लेते हैं हम, तो आपको ये ध्यान रखना है सभी संख्याओं को लेना है, सभी संख्याओं को लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ज़्यादा बार संख्या कौन सी लाइन में आ रही है, ज़्यादा बार संख्या कौन सी लाइन में आ रही है, इस लाइन में, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, ठीक है, तीनों में आपको चेक करना है कि कौन सी लाइन में जो है ज़्यादा बार संख्या आ रही है। तो हम कहेंगे भाई इस लाइन में जो है सबसे ज़्यादा बार 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें कम आ रहा है, इसमें कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा बार आया, इसमें ज़्यादा बार संख्या आई, तो हमने इसको ले लिया। अब यहाँ पर देखेंगे 3 दोनों में बराबर आ रहा है, ठीक है, 3 यहाँ पर भी 2 बार, यहाँ पर भी 2 बार, तो हमने इसको ले लिया। 5 यहाँ पर है, 5 एक बार सिंगल के रूप में है, ठीक है, तो 5 ने हमने ले लिया 5 को। और फिर क्या किया हमने, 7 को लिया, 7 भी यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 7 ले लेंगे यहाँ पर। अब इसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 2 से 4, 4 का गुणा 2 से 8, 8 का 3 से 24, 24 का करेंगे 3 से गुणा, तो आप जो है 24 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 12 6 7 72। 72 का गुणा करोगे आप 4 4 दुनिया 8 24 24 का गुणा 3 से किया, 72 आया, 72 का गुणा करेंगे 5 से, 5 × 10 7 × 5 = 35 और 1 = 36 360, 360 का गुणा करेंगे 7 से, तो आएगा 7 42 21 21 और 4 21 और 4 हो जाएगा 25, 2520 आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, 2520 हमारा क्या आया, एलसीएम आया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या याद करेंगे, अब एचसीएफ याद करेंगे, एचसीएफ याद करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दूसरा और ले लेते हैं इसमें, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर भाई 20 है, चलो ये टुकड़े ले लेता हूँ मैं, 2 × 2 × 3 × 3 और यहाँ पर ले लेते हैं हम 4 × 4 × 4 5 × 5। अब एलसीएम अगर इसका लेना होगा हमारे को तो कैसे लेंगे एलसीएम भाई, ज़्यादा बार संख्या किस में है, कौन सी लाइन में, सबसे पहले कम संख्याओं से देखेंगे भाई, 2 बार 3 जो है 3 बार है यहाँ पर तो है ही नहीं बिल्कुल, तो हमें ये 2 जो है तीनों लेने पड़ेंगे हमारे को, ठीक है, 3 बार देखेंगे, 3 बार जो है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं संख्या 2 × ठीक है। अब देखो वापस समझा रहा हूँ इसको, क्या करेंगे हम देखेंगे कि भाई 2 जो है सबसे ज़्यादा बार कौन सी लाइन में, इसमें है या इसमें, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार इसमें है, तो हम इस लाइन के 2 ले लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि
भाई तीन जो है, तीन कौन सी लाइन में, इस लाइन में है, इसमें ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो इसमें है उसी को ले लेंगे हम। तीन को दो बार है, तीन दो बार है तो हमने उसको ले लिया, ठीक है। तो देखेंगे कि, और अगर मान लेते यहाँ पाँच लिख देते, पाँच सबसे ज़्यादा बार कौन सी लाइन में, तो आप देखोगे पाँच इसमें है, दो बार है पाँच, और इसमें एक बार ही है, तो हम क्या करेंगे इसको लेंगे, पाँच दो बार है उसको लेंगे। अधिक बार संख्या किसके आ रही है, उस लाइन को लेना है आपको, तो बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ज्ञात करेंगे एचसीएफ, एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम। एचसीएफ में क्या करना है आपको, कॉमन लेना है, क्या लोगे आप, कॉमन संख्या लेना है आपको। यहाँ पर दो आ रहे हैं, यहाँ पर दो आ रहे हैं, यहाँ पर दो आ रहे हैं, तो क्या ले लोगे, कॉमन दो आ जाएगा। यहाँ पर दो आ रहा है, यहाँ पर दो आ रहा है, इसमें कहीं पर भी दो नहीं है तो हम अब नहीं ले सकते भाई। यहाँ पर दो है, यहाँ पर कहीं पर भी दो नहीं है, अब दूसरी संख्या आई नहीं तो हम नहीं ले सकते। पाँच यहाँ पर है, पाँच यहाँ इस लाइन में नहीं है, पाँच इस लाइन में नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते। सात इस लाइन में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो सात भी नहीं ले सकते। ऐसी संख्या कॉमन लेनी है आपको जो तीनों लाइन के अंदर होनी चाहिए भाई। तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड किया, तीनों लाइन के अंदर वो संख्या मौजूद होगी तो ही हमारा वो क्या आएगा, कॉमन आएगा, और वही एचसीएफ आएगा भाई। दो जो है तीनों के अंदर मौजूद है एक एक बार, ठीक है। अब दो अगली बार जो है, दूसरी बार में दोनों के अंदर तो मौजूद है, तीसरी बार तीसरी लाइन में मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो तीनों के अंदर मौजूद होने चाहिए, तीनों लाइन के अंदर जो है दो मौजूद होने चाहिए, या हर वो संख्या मौजूद होनी चाहिए जो तीनों के अंदर हो कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच है, यहाँ पाँच होता तो हम क्या करते हैं उसको कॉमन ले लेते, एचसीएफ आ जाता वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, एचसीएफ कितना आएगा दो, और एलसीएम आएगा 2520 आएगा मास्टर का। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैंने वो फिर भी मैं बता रहा हूँ कि भाई एलसीएम में जो है आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा बार संख्या कौन सी लाइन में आ रही है, ज़्यादा बार संख्या कौन सी लाइन में आ रही है। और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए कि उसका आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में, 50, 40 और 60, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करेंगे कि प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय संख्या। प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या। इसको मिटा रहा हूँ ताकि देखेगा नहीं, इसको चलो ऊपर लिख देते हैं। प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो आपको तो पहले से ध्यान होगा भाई कि ये तो अपरिमेय संख्या होती है वैसे, मगर ये क्या कह रहे हैं प्रमाणित करो, तो हम प्रमाणित करके बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया होगा, नंबर सिस्टम के एक वीडियो है, ठीक है, उसमें बताया कि परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पाँच क्या है एक परिमेय संख्या है, और √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो भाई परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटेगी तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। या फिर आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई परिमेय संख्या का गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। इसमें यही बात ध्यान रखनी है आपको कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो आपको यही बात लिखनी है, जो क्वेश्चन में दे रखी होती है वो संख्या उसको यहाँ पर लिखना है, और लिखना है कि माना 5 - √3 क्या है एक परिमेय संख्या है, और ए और बी, ए और बी क्या है गुणांक है, क्या लिखोगे ए और बी गुणांक है, और बी नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि भाई बी का मान जो है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, मगर आपको क्या नहीं लिखना है, जीरो नहीं लिखना है बी के। अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखो 5 - √3 लिखा हमने, बराबर में क्या लिखना है ए बटे बी, जो हमने क्या माना था पूर्णांक माना था, पूर्णांक संख्या मानी थी ए और बी को, ठीक है। आप इसमें जो है आपको यही बात याद रखना है कि
इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरीके से ये लाइन को आप जो है दिमाग में रखना, ठीक है, यहाँ तक पूरी लाइन लिखना है और जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको वापस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपको जो है इसमें ये ध्यान रखना है आगे के स्टेप में कि रूट की संख्या को हमेशा अलग करके साइड में रखना है आपको। रूट की संख्या कहाँ रखोगे, अलग रख दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, और बाकी जो होगी हमारे पास में जो भी चर अचर को आप इधर लेके चले जाओगे, तो हम क्या करेंगे, पाँच, ठीक है, रूट रूट तीन माइनस का इधर आते क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। रूट तीन माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये जो प्लस की संख्या है इधर आते क्या हो जाएगी दोस्तों, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, माइनस रूट तीन की, माइनस रूट तीन है यहाँ पर, ये इधर जाते क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और ये प्लस के उधर जाते क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आपको यहाँ पर सिद्ध करते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा रूट की संख्या को अलग रखना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े इसमें, ठीक है। तो हम जो है अभी तक यहाँ पर कर लिया हमने सॉल्व। अब इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम की कंडीशन आ गई। एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं 5/3 प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसका एलसीएम निकालना हमारे को, जोड़ना। तो क्या करेंगे, 3 आएगा यहाँ पर, इस संख्या को यहाँ पर लिखा 3 को, 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 × 2, ऊपर से क्या आएगा, 5 आएगा। बीच में चिन्ह किसका है, प्लस का, तो प्लस आ जाएगा, 5 का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। भाई क्या किया हमने, 3 यहाँ पर लिखा डायरेक्ट, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना आया, 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है, सॉरी दोस्त, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना उतारोगे आप, 5 उतारोगे, यहाँ पे 3 × 2 कितना होगा, 6 + 5/3, 6 × 5 = 11/3। इस तरीके से आपको इसको भी सोल्व करना है। यहाँ पे क्या करोगे भाई, यहाँ पे कितने बटन में संख्या बी है, बी का मल्टीप्लाई करो 5 से, तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर ले लिया हमने एलसीएम के रूप में, बी का मल्टीप्लाई किया 5 से, तो यहाँ पर आ गया 5b माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, बराबर में √3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, लिखेंगे अब 5b - a/b, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या लिखना है, इस संख्या को लिखना है पहले, और लिखना है कि एक परिमेय संख्या है, और √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का कंपेयर कर रहे हैं हम, इस वजह से, ठीक है। अब बाद में क्या लिखोगे आप, अब लिखना है कि भाई हम तो जानते हैं भाई कि √3 जो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √7 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, रूट जो है 3 मान लो, 7 मान लो, और कितना ले सकते हो आप, 5 ले सकते हो, ठीक है। ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्या, √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जिसका रूट नहीं खुलता है वो क्या होती है, संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक माना भाई ये भी परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, इसका मतलब होता है चूँकि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने जो पहले कल्पना की वो विरोधाभास है, हमने पहले जो कल्पना की वो विरोधाभास है। भाई हमने कल्पना की यहाँ पे कि √3 एक परिमेय संख्या है, मगर हम जानते हैं भाई √3 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने पहले जो कल्पना की वो क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। तो फिर वापस क्या लिखना है, एक आपको 5 − √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना दोस्तों, ये फिक्स लाइन होती है, ठीक है। ये लाइन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा। और ये जो लाइन है आपके पास में, ये वाली लाइन, इसको भी आपको फिक्स करके दिमाग में रखना है कि इस लाइन को आपको
हर क्वेश्चन में लिखना है जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बस संख्या चेंज हो जाएगी, लाइन वही की वो लिखनी है आपको, यहाँ पे भी जो है संख्या चेंज हो जाएगी और लाइन ये की ये लिखनी है आपको, ठीक है दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास में शेयर कीजिए। कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे और 4 क्वेश्चन का डिस्कशन आज किया है, टोटल कितने हो गए क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हो गए। चलो एक क्वेश्चन वो जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि भाई इसको आप वैदिक विधि से बताइए, 155 × 9। मेरे को किसी का कमेंट आया कि सर उसको आप वैदिक विधि से करके बताइए, ठीक है। तो मैं वो करके बताता हूँ, एक न्यूनेन पूर्वेन द्वारा गुणा। क्वेश्चन क्या था, एक न्यूनेन पूर्वेन द्वारा गुणा कीजिए। तो हम जो इसको सोल्व करेंगे 155 में से आप कितना घटाओगे, एक घटाओगे तो कितना आएगा, 154 आएगा, ठीक है। जो संख्या हमारे पास में है यहाँ पर उस संख्या को किस में से घटाओगे, 9 में से घटाओगे 154 को। तो भाई ये तो घटेगा ही नहीं। पहला आंसर कितना आया, 154, ठीक है। और दूसरा कितना आंसर आया हमारे पास में, 9 − 154 आया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस 9 को इधर लेके आ जाओ, 154 और 9 − 154, ठीक है। इस 9 को इधर लेके आओगे, क्या किया हमने, 155 में से कितना एक माइनस किया, 154 आया, ठीक है। जो संख्या आई हमारे पास में 154, उसको किस में से घटाना है, ऊपर वाली संख्या में से घटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला आंसर कितना है 154 और दूसरा आंसर हमारे पास में क्या ये आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को ओब्लिक के उस साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। बाकी इधर क्या बचेगी संख्या हमारे पास में, 154 बचेगा। इसमें से आप घटा दो संख्याओं को, इसमें से आप जो घटाओगे भाई, 9 में से 4 गया तो 5, अब यहाँ पर कितना बचा, 4 है, 4 एक उधर दिए इसको, 14 में से 5 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 5 जाएंगे तो बचेंगे 7 और 9 बचेंगे, सॉरी 14 में 5 गया तो 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1 का 1, 1395 इसका क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।